मुझे कभी भी बहुत गुस्सा आया या मुझे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो या मुझे एक्चुअली लगे कि यार तोड़ फोड़ दूँ कुछ कर दूँ या कुछ कर लूँ वाला जो सीन होता है ना, ठीक है वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम आर्ट चैनल। सो मैं पहुँच चुकी हूँ अपने फर्स्ट घर पे। ये हमारा सेकंड होम हुआ करता था बट अभी के लिए ये मेरा फर्स्ट होम है। एंड यस, ये वही शर्ट है जो मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में दिखाई थी कि लूँ या नहीं लूँ, वो कन्फ्यूज तो मैंने उठा ली थी, अगेन खरीद ली थी नहीं उठाई थी। और किसी ने मुझे बोला कि मैं को अपने हेयर स्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है, तो नहीं मैं नहीं करने वाली, मेरे को अपने हेयर स्टाइल चेंज नहीं करना है। ऐसा एक्चुअल में अभी ये जो आप लोगों को ऐसे अतरंगे दिखते हैं ये इसलिए दिखते हैं क्योंकि मैं हेलमेट पहनती हूँ और हेलमेट पहनने का मतलब बहुत अजीब हो जाता है। गाइस जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ना कुछ अवेयरनेस चल रही है, यहाँ पे सारे फायर फाइटर्स आए हैं, लुक उनके सारे इक्विपमेंट्स यहाँ पे चल रहे हैं कुछ। सो बेसिकली ये मैं बोल रही थी कि हेलमेट के काम है, अगर आप 15-20 मिनट से ज़्यादा हेलमेट पहनते तो आपके एक्चुअली जो बाल होते हैं उसके कारनामे ऐसे ही दिखते हैं थोड़े अजीब हो गए, क्योंकि उसके साथ साथ मैं पहले क्या बोलते हैं रुमाल बांधते हैं उसके बाद में हेलमेट पहनते हैं तो पूरे पसीने पसीने हो जाते हैं। उस पसीने पसीने को थोड़ा सा साइड करते हुए मेरी शक्ल पे ध्यान दे दो जो कि ऑलरेडी बहुत थकी पड़ी है एंड भूख बहुत जोर की लगी है, तो मैंने सोचा यहाँ से पहले कुछ खाते हैं फिर निकलते हैं। और एनीवेज आज मैं एक जगह गई थी, अभी थोड़ी सी क्लिप में आगे दिखाऊंगी कि एक्चुअली मैं गई कहाँ थी, वहाँ पर बहुत सारा फर्नीचर एंड ऑल था, तो चीज़ें कुछ चल रही हैं, कुछ टाइम में आपको पता चल ही जाएगा कि क्या है क्या नहीं, तो जब पूरी तरीके से चीज़ें हो जाएंगी देन डेफिनेटली यू विल गेट टू नो। कितने लोगों को हमारी ये गली याद है। यस ये गली हमारी फेवरेट गली हुआ करती थी, तो यस इस गली में हमारे मोस्ट ऑफ सारे शूट होते थे। एंड यस अभी देखो मैं बहुत ज़्यादा गोरी हो गई इस गली में आके। आई यस बाय द वे आप लोगों ने बताया नहीं मेरी शर्ट कैसी लग रही है, आज सुबह से कैसे नहीं बताया, तो सब पूछते नहीं यार क्या कोई बताने वाले नहीं बचा यार। तो यस ये शर्ट मेरी एक्चुअली अच्छी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि मैं नाइट सूट पहन रखा है। आप में से कुछ लोग होंगे जो पुराने वाले हैं मेरे, तो इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। एंड ये जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं ज़्यादा ब्लॉग नहीं बना पा रहा, जो मैंने लास्ट 4 दिन में एक ब्लॉग का तब किया वो भी यहाँ कुछ लोगों ने लिखा वो भी 6 मिनट का, तो यस वो 6 मिनट भी बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, आई डोंट नो ख़त्म भी कैसे किया मैंने। तो आज का देखते हैं क्या कार्यक्रम है, एक्चुअली भूख लग रही है थोड़ा, पेट पूजा बाद में काम पूजा, और यस इनोवेट आए और मेरे काम मेरे वापस स्टार्ट हो चुके हैं जो कि है गेम खेलना। मेरा फ्रस्ट्रेशन मेरा गुस्सा हर चीज़ मेरा बास्केटबॉल पे निकलता है, तो बाय बाय। देख के मन किया कि चलो यार ट्राई करते हैं, इट वॉज नथिंग बट एक सूप था जो उस ब्रेड के अंदर था, बेसिकली जो हम मशरूम सूप पीते हैं उसमें अलग अलग वेजिटेबल्स थे, उस वेजिटेबल में आलू तक था। वेट मैं ज़रा कैमरा साफ़ कर दूँ, तो वाह बहुत ज़्यादा साफ हो गया मैं, तो यस उसमें आलू तक था यार, तो मुझे मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, इट वॉज जस्ट कुछ नया था, तो हमेशा की आदत है नई चीज़ें ट्राई करने की, तो वही सोचा ट्राई कर लूँ। एंड आई एम बैक टू माई प्लेस, ये जगह मुझे कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगने लग गई, ये तो खाली प्लेस और ऐसी एम्प्टी खाली ही होता है यार, क्या एम्प्टी और खाली का क्या मतलब है, मतलब इंग्लिश हिंदी क्या बोल रही तो ज़्यादा ही बोलने लग जाओगे। तो यस मुझे नहीं पता कि आपको मेरी आवाज़ अब भी आ रही है कि नहीं, बिकॉज मैंने ईयरफोन लगा रखा है, आ रही है तो अच्छी बात है, नहीं आ रही है तो अगेन झेल लो। ऐसे भी मेरा ब्लॉग तो आपको मिल पा नहीं रहा है और ये 2-4 मिनट का जो ब्लॉग बन पा रहा है ऑफिस के बाद आई ट्राइड कि बन जाए बट नथिंग न्यू फॉर मी, नहीं बन पा रहा, ऐसे ही चलता रहा तो बंद हो जाएगा, कोई बात नहीं।
तो जब बंद होगा तब का तब देखा जाएगा, जब तक चल रहा है तब तक थोड़ा चला देते हैं, थोड़े बहुत व्यूज़ आप नहीं देते हो तो मुझे अच्छा लग जाता है। एंड आज सच में यार इतना अलग लेवल का मेरे को फ्रस्ट्रेशन चढ़ रहा था, पता नहीं क्यों। कभी कभी होता है ना कि अकेले हो बट कुछ चीज़ें हो जाती हैं, क्या हुआ क्यों हुआ डोंट आस्क मी, बट कभी कभी कुछ ना होते हुए भी बहुत कुछ हो जाता है, अंदर ही अंदर कुछ हो जाता है। आई डोंट नो, प्रोफेशनली बोल लो, पर्सनली बोल लो, मिक्सडअप बोल लो, मेंटली बोल लो, हर चीज़ जो है ना एकदम मिक्सडअप हो जाती है और उसके बाद ऐसा फटने का मन करता है। तो मेरी एक आदत है शुरू से, मतलब जब से मैं मुंबई में हूँ, इट्स बीन 20 ईयर्स, 20 साल से मेरी एक इकलौती आदत है, मुझे कभी भी बहुत गुस्सा आया या मुझे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो या मुझे एक्चुअली लगे कि यार तोड़ फोड़ दूँ कुछ कर दूँ या कुछ कर लूँ वाला जब सीन होता है ना, आई जस्ट कम टू विनोबेट मॉल गेम जोन एंड मेरा एंगर बस्टर जिसको कहते हैं वो है बास्केटबॉल। शुरू से, इट्स नॉट लाइक कि अभी से मैंने स्टार्ट किया, स्टार्टिंग से दैट वॉज अ पॉइंट कि मैं अपना पूरा का पूरा जितना गुस्सा होता है ना मैं पूरा बास्केटबॉल पर निकालता हूँ। नॉर्मल लिटरली पीछे भीड़ लग जाती है जब मैं गेम खेलती हूँ, एंड इट वॉज लाइक कि मुझे सिर्फ वो बास्केट दिखती है और मेरे हाथ में बॉल दिखती है, उस टाइम मुझे कुछ नहीं दिखता और वो पूरा गुस्सा मैं वहाँ निकालती हूँ। तो यस, दैट्स द एक्चुअली बेस्ट थिंग कि ना आप अपने आप को कुछ कर रहे हो ना आप किसी और को बोल रहे हो, तो इससे बेटर है कि भाई चीज़ें ढूंढ लो ऐसी जिस पे एक तो आप उससे फिट भी रहते हो, गेम खेल रहे हो नो डाउट, लोग इंटरटेन भी हो जाते हैं, आप अपना गुस्सा भी निकाल लेते हो, इट्स ऑल इन वन। सो हमेशा ऐसी चीज़ ढूंढो कि जिससे आपको भी तकलीफ ना हो, सामने वाले को भी ना हो, और बेस्ट चीज़ ये है कि क्या बोल सकते हो, गेम का गेम हो जाता है, मज़े के मज़े हो जाते हैं, गुस्सा का गुस्सा निकल जाता है, दैट्स द बेस्ट थिंग। और मेरे लिए गुस्सा निकालना बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि मैं जल्दी निकालती हूँ, और जहाँ निकल गया वहाँ तो अलग ही सीन हो जाते हैं मेरे लिए। मेरा गुस्सा मतलब मैं अगर किसी को 1% भी दिखा दूँ तो दे विल फील लाइक कि मैंने उसको 100% दिखा दिया। तो जस्ट इमेजिन कर लो कि अगर मैंने कभी किसी को एक्चुअल में गुस्सा दिखा दिया तो वो तो मेरे को लिटरली ऐसे ऑन द स्पॉट छोड़ के चले जाएंगे। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि मेरा गुस्सा कोई सह पाया आज तक, या इस लेवल का गुस्सा आज तक मैंने किसी को दिखाया ही नहीं है सबसे पहली बात। और जो एक आदमी से बात होती है उनको अगर कुछ बोल दो तो दे विल बी लाइक भाई मैं ही ऐसा हूँ, तो पता भाई यहाँ पे रचा की बात नहीं हो रही है, तो प्लीज़ अपने कमेंट में उसको ला के मेरे लिए यहाँ पे प्लीज़ बकवास मत लिखना, मेरे को उसके रिलेटेड यहाँ पे कुछ भी बकवास नहीं चाहिए। जो यहाँ पे आके बकवास लिख के भी जाते हैं प्लीज़ इट्स जस्ट अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड डू नॉट, और यहाँ पे मैं 1% भी उसके रिलेटेड बात नहीं कर रही, उसके अलावा 50 चीज़ें ज़िंदगी में चल रही हैं मेरे, चलती हैं और चलती रहेंगी, ठीक है। तो प्लीज़ इट्स जस्ट अ रिक्वेस्ट, होप आप समझे, नहीं समझे तो उनका तो हम ऐसे भी कुछ नहीं कर सकते, समझ जाओ तो अच्छी बात है, थैंक यू फॉर दैट। तो इस व्लॉग को मैं आगे ना बढ़ाते हुए इस व्लॉग को मैं करते हुए एंड, आपको करने लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में सब लिंक, तो बताना ना भूलें फ्रंट पेज कैसा लगा, फ्रंट इंट्रो कैसा लगा, न्यू बैनर कैसा लगा। ओके सी बाय।